लंगोटिया आरएसपुरा में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज फॉर वुमेन जम्मू की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समाज सेवक एवं रेड क्रॉस जम्मू के स्थायी सदस्य मास्टर प्रमोद कुमार की देखरेख में आयोजित समारोह में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के पूर्व रीजनल सेक्रेटरी दिनेश गुप्ता मुख्य तौर पर मौजूद रहे, जिन्होंने सिलाई कढ़ाई सेंटर में प्रशिक्षण हासिल करने वाली महिलाओं व युवतियों को प्रमाण पत्र बांटे। इससे पहले गांव में सेंटर खुलवाने तथा महिलाओं को सशक्त बनाने में योगदान देने वाले रेड क्रॉस सोसाइटी जम्मू के सदस्य दिवंगत ओपी गुप्ता को याद कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस मौके पर पूर्व सचिव दिनेश गुप्ता, मास्टर प्रमोद कुमार, रेड क्रॉस से संबंधित संस्था चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन, जम्मू कश्मीर प्रमुख इंडियन नेशनल यूनियन कांग्रेस से प्रदेश कोऑर्डिनेटर सरदार मोहिंदर सिंह रसीला, राज्य प्रमुख सरदार कीर्तन सिंह, पॉलिटेक्निक कॉलेज भिवन से मनीष गुप्ता, पवन कुमार, राजेंद्र सिंह आदि ने भी अपने विचार रखे तथा संबंधित कॉलेज की तरफ से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने की सराहना की। पॉलिटेक्निक जम्मू वुमेन पॉलिटेक्निक की तरफ से सेंटर एक खोला था कटिंग पेंटिंग का, उनके सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं उन लड़कियों को, औरतों को जिन्होंने ट्रेनिंग की है। और लेकिन जिन्होंने ट्रेनिंग ये सेंटर खुलवाया श्री ओपी गुप्ता जी, आज वो हमारे बीच नहीं है, तो उनकी उनको श्रद्धांजलि दीजिए देने के लिए, उनको याद करने के लिए आज हम लोग भी जम्मू से आए हैं और भी बहुत से लोग जो हैं यहाँ एकत्रित हुए हैं। ओपी गुप्ता जी एक ऐसी शख्सियत थे जो समाज के भले के लिए और लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, और रेड क्रॉस उनके साथ उनका खास लगाव था। और मैं एज ए सेक्रेटरी रेड क्रॉस जब भी कभी मुझे कोई प्रोग्राम प्लान करना होता था तो उनकी सलाह, उनकी मदद और सरदार राजेंद्र सिंह जी की मदद के साथ ही हम प्रोग्राम जो है वो प्लान करते थे, एग्जीक्यूट कराते थे। एक वयोवृद्ध वरिष्ठ समाज सेवक रहे हैं स्वर्गीय श्री ओपी गुप्ता जी, जिनके संग हमने कम से कम 15-20 साल काम किया। वो एक ऐसा व्यक्तित्व थे, ऐसी पर्सनैलिटी थे, ऐसे इंसान थे जिनको सदा फिक्र रहती थी उपेक्षित लोगों की, उपेक्षित बच्चों की, निर्धन बच्चों की, मजबूर बच्चों की, बिछड़े हुए बच्चों की, क्योंकि वो चाइल्ड लाइन के कोऑर्डिनेटर भी रहे हैं। तो हमें भी वो एज ए रिसोर्स पर्सन वो काम देते थे, हम उनका काम करते थे, तब से हमें भी ऐसी लगन लग गई। अचानक ही जो हमारे बीच में से चले गए, हमें छोड़कर चले गए, हमें बहुत दुख हुआ, हमें बहुत ही आज उनकी कमी महसूस हो रही है। क्यों कि उनकी जो शिक्षा है, उनका जो व्यवहार है, उनकी समाज को जो देन है, आज उसकी कमी हमें महसूस हो रही है। तो उनके जाने के पश्चात यहाँ पे गाँव लंगोटिया में ओपी गुप्ता सर ने एक कैंप लगवाया था जो वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज शिवनगर जम्मू की ओर से, उसके सहयोग से। तो उनकी ये कोशिश रही कि ये जो दूर दराज गांव के बच्चे हैं या बच्चियां हैं उनको ट्रेंड किया जाए, उनको शिक्षित किया जाए। उसी संदर्भ में जहां पे कैंप लगाया, 6 महीने का कैंप था, जहां बच्चों ने सीखा, उनको सर्टिफिकेट भी दिए गए। तो वो जाए चाहते थे कि कोई समाज का नीचे वाला तबका भी ऊपर उठे, बराबर हो जाएं, सारे एक समान हो। बड़े वयोवृद्ध नेता थे, उनको चिंता रहती थी हमेशा, उनको चिंता रहती थी हमेशा, लोगों की चिंता रहती थी। तो उसी के लिए जो हमेशा ये प्रयास रहते थे, आज हमने उनकी याद में उनको जो गाँव लंगोटिया में इसी घर में जहाँ पे कैंप उन्होंने आज़ादी करवाया था, ट्रेलरिंग एंड कटिंग का कैंप था, तो आज यहीं पर हमने कोशिश करी, हमने सलाह की कि उनको श्रद्धांजलि दी जाए। तो सभी ने सहमति प्रकट की, तो आज यहाँ पे उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सारे लोग आए हैं, काले से भी आए हैं, रेड क्रॉस से भी आए हैं, चाइल्ड लाइन से भी आए हैं, समाज के विभिन्न वर्गों से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। ये लेडीज आई हुई हैं जिन्होंने यहाँ ट्रेनिंग की थी, यहाँ पे बच्चे भी आए हुए हैं। तो आज हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उनको स्मरण कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, और हम ये कोशिश करेंगे उनकी जो शिक्षा है उस पर हम चलें और समाज को अच्छा संदेश दें, जैसे कि उन्होंने हमेशा संदेश दिया। जम्मू आरएसपुरा से भूपेंद्र की रिपोर्ट।